जब जुमा की अजान पुकारी जाए तो उसके बाद फिर आप कारोबार नहीं कर सकते, फिर कारोबार करना हराम हो जाता है आपके ऊपर, फिर खरीदो फरोख्त छोड़ दो, फिर तुम चल पड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। अल्लाह ताला हमें पंजगाना नमाज की तौफीक अता फरमाए और एहतमाम के साथ नमाज जुमा की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस में आता है, जिसने 3 जुमा बग़ैर किसी उज्र के तर्क कर दी उसके दिल पर लफाक की महल लगा दी जाती है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।